वेलकम बैक। एक्चुअली आई एम सॉरी, वीडियो कट गई थी क्योंकि हमारा थोड़ा स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से वीडियो कट गई थी। तो हम जो पांचवी, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो, राइट? सो हम जो पांचवी आदत डिस्कस कर रहे थे, पांचवी तर्ज स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो था दांतों को साफ करना खाने के बाद, राइट? लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ दिस। नंबर वन जो हमारी आदत थी वो थी सुबह जल्दी उठने की आदत। फिर दूसरी आदत जो थी सुबह नाश्ता करने की आदत। फिर तीसरी आदत जो थी वो दोपहर को ब्रेक के दौरान सोने की आदत, जिसको हम किलोला भी बोलते हैं। फिर चौथी आदत जो मैं आपको बता रहा था कि शाम का खाना वक्त पे खाने की आदत, राइट? और पांचवी आदत जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो ये थी कि खाना खाने के बाद दांत साफ करने की आदत। चाहे आप सुबह को खाना खाएं या रात को खाना खाएं, दोनों खानों के बाद दांत साफ करने की ज़रूरत, और दिन में 2 मरतबा साफ करने की ज़रूरत, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा, और दोनों मरतबा खाना खाने के बाद। इसके बाद जो पांचवी और छठी आदत जो मैं डिस्कस करने और लगा था, और आखिरी आदत वो रात को सोने से पहले नहाने की जो आदत है। ये जो तर्ज ज़िंदगी है, ये भी हमारा पाकिस्तान और चाइना का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा नहीं टोटली डिफरेंस है, सॉरी टोटली डिफरेंट है। और ये बिल्कुल हम जो पाकिस्तान में करते हैं वो अगेन गलत है। हम सुबह उठने के बाद नहाते हैं। हमारा ये एक कंसेप्ट बना हुआ है कि सुबह उठने के बाद जब हम नहाते हैं तो सारा दिन फ्रेश रहते हैं। ठीक है, हम सारा दिन फ्रेश रहते हैं, मैं एग्री हूँ, आप उनसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन इसकी एक जो बात जो मैंने आपको बताया कि रात को सोने से पहले नहाने की जो आदत है ये क्यों होनी चाहिए, इसकी वजह फिर वही बनती है कि रात जब हम रात को सब सोने से पहले नहाते हैं तो सारा दिन जो हम काम करते हैं, एक तो हम थके हुए होते हैं, और दूसरा जो हम सारा दिन बाहर घूमते फिरते वगैरह हैं, तो हमारे जिस्म पे बहुत ज़्यादा मैल, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह, जरासीम वगैरह या कुछ भी, हमारे गर्द गुबार हमारे जिस्म पे होती है। तो रात को जब हम सोते हैं तो हम ये गर्द गुबार वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, जरासीम वगैरह, ये हम अपने जिस्म से साफ़ करके सोएँ, और कपड़े तब्दील करके सोएँ, साफ़ करके सोएँ, और इस तरह हमारा इस तरीके से हमारा ये है कि हमारा सारी रात जो हमारा जिस्म है वो भी जरासीम वगैरह से बचा रहेगा, और हमारा बेड वगैरह भी, बिस्तर वगैरह भी साफ़ रहेगा। तो ये वो उसी तरह है जिस तरह आप सोने से पहले दांत करके साफ साफ करके सोते हैं, इसी तरह आप सोने से पहले भी नहा के सोएं। आप सुबह को नहाते हैं, बिल्कुल नहाएं, सुबह को आप नहाने से फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल नहाएं, मैं आपसे डिसएग्री नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा तर्ज ज़िंदगी है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो मेडिसन में ये जो चीज़ प्रैक्टिस दी जाती है, और जिसका बहुत ज़्यादा हमारी जिस्म को, हमारे दिमाग को, हमारे होल बॉडी को, हमारी कम्युनिटी को, हम इस चीज़ से फ़ायदा पहुँच सकते हैं, वो रात को सोने से पहले नहाने की जो आदत है ये होनी चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ये टोटली ए वन टॉपिक हमने डिस्कस किया, जो कि लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक है। खुराक के मुताबिक क्या करना है, कौन किस्म किस किस्म की खुराक खानी चाहिए, कौन से टाइम पे क्या खाना चाहिए, खुराक में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे कल की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, या लेटर किसी दिन में डिस्कस करूँगा। लास्ट पे हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था आज, हमारे गांव के एक बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वज़न कम करने का कोई तरीका बताया जाए। माशाल्लाह, पहले तो गांव में बहुत ज़्यादा लोग स्मार्ट होते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, उनका वज़न वगैरह नहीं पड़ता था, उनको वज़न वगैरह का कुछ मसला नहीं होता था, लेकिन जैसे डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी अच्छी हो रही है, तो ये मसले भी साथ साथ में आ रहे हैं। तो वज़न कम करने के तरीके में अभी इंशाल्लाह मैं आपको, जो अभी नेक्स्ट वीडियो है, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 2-3 दिनों में या 1 वीक में, मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस्म की खुराक खानी चाहिए। पहले ज़माने में या पहले आज से पहले दौर में ये कहा जाता था कि एक्सरसाइज करने से वज़न कम होता है। ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी बात है कि एक्सरसाइज करने से वज़न कम होता है, और गांव के लोग तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश वगैरह भी उनकी होती रहती है, खेतों में काम करते हैं, तो उनको तो एक्सरसाइज करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत भी नहीं होती, उनका वज़न वगैरह सेट रहता है। तो शहरों के लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बावजूद एक्सरसाइज के कुछ लोगों का वज़न ज़्यादा हो जाता है। क्यों ये ज़्यादा हो जाता है, साइंस इसके बारे में हमें क्या हल देती है, मॉडर्न साइकोलॉजी हमारे इस बारे में क्या हल देती है, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि हमें कौन कौन से उनकी खुराक खानी चाहिए, किस टाइम पे खुराक खानी चाहिए, खुराक में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि, और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, उनका एडिशन किन किन खुराक का एक दूसरे के साथ करना चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको मॉडर्न न्यू वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। एक बेस्ट साइकोलॉजिकल बुक से मैंने ये तरीके अख्ज़ किए हैं, और मैंने अपनी अपनी लाइफ पे ये अपनाए हैं, उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। अगर आपका वज़न कम है,
अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये भी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात देगी और इंशाल्लाह आपको हेल्प देगी। तो आज का हम अपनी वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और आखिर में जाते जाते अगेन मैं ये 5 या 6 तर्ज ज़िंदगी के जो मालूमात थी मैं आपसे रिवाइज करता चला जाऊँगा। पहली आदत थी सुबह जल्दी उठने की आदत, दूसरी आदत थी सुबह नाश्ता करने की आदत, तीसरी आदत थी दिन को सोने की आदत। ज़्यादा नहीं, 5-6 घंटे नहीं, 4-5 घंटे नहीं, 1 से 2 घंटे, या मैक्सिमम 30 से 40 मिनट, या 1 से 2 घंटे मैक्सिमम, या 30 से 40 मिनट मिनिमम, राइट, ये सोने की आदत। फिर इसके बाद चौथी आदत जो थी वो था शाम का खाना वक्त पे खाना चाहिए। फिर पांचवी आदत जो थी वो दांत साफ़ करने चाहिए, टूथब्रश करना चाहिए दोनों टाइम, खाने के बाद और सोने से पहले ये करना चाहिए, और आखिर में सोने से पहले नहाना चाहिए। तो आज का हम वीडियो अपनी इस चीज़ पे इख्तिताम करते हैं। अगर आप भाई हैं तो अपने ये वीडियोस अपने छोटे भाई को पढ़ाएं, अपनी बहनों को सिखाएं, ये इन चीज़ों पे खुद अमल करें, अपने घर वालों को सिखाएं। अगर आप वालदैन हैं तो वालदैन अपनी ये चीज़ें बच्चों को सिखाएं, अपने पड़ोसियों को सिखाएं। हमारा मकसद इन वीडियोज़ के ज़रिए आप तक अच्छी सेहत की अच्छी मालूमात पहुँचाना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका दिमाग भी अच्छा होगा। वो कहते हैं कि एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हार्ड वर्किंग चाहिए, और हार्ड वर्किंग के लिए एक अच्छी सेहत चाहिए, और एक अच्छा दिमाग चाहिए, और अच्छे दिमाग के लिए एक अच्छी सेहत चाहिए। अच्छी सेहत का होना ज़रूरी है। जब तक आपकी सेहत अच्छी रहेगी आप इंशाल्लाह तंदरुस्त तवाना रहेंगे, आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, आप लोग के लोगों के साथ रवाबित भी अच्छे रहेंगे, और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। तो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो इधर कंक्लूड करते हैं, इधर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ हाज़िर रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखना, और अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और हम आइंदा किसी भी हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, और इसी ग्रुप में जिसमें आप वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, इसी ग्रुप में आपकी कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन सेहत के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों को, मेरे गाँव वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश रखे। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।